बहादुरगढ़ में एक तेज रफ्तार कार पंजाब रोडवेज की बस से टकराने का मामला सामने आया है। टक्कर इतनी जबरदस्ती की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार के पर खच्चे उड़ गए और उसमें सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पंजाब रोडवेज की बस के चालक और परिचालक को भी हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि देखने वालों की चीखें निकल गई। हादसा दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 पर KMP फ्लाईओवर के पास हुआ है। मृतक की पहचान दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। प्रदीप अपनी कार में सवार होकर बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ जा रहा था। अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह नेशनल हाईवे के बीच में लगे ग्रिल को तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। इस हादसे में प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पंजाब रोडवेज के चालक और परिचालक को भी हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद बस अभी नियंत्रित होकर करीब 150 मीटर तक चलती रही। गनीमत यह रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से गाड़ी के अंदर से चालक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई। वहीं बाद में क्रेन की मदद से हादसे वाली जगह से गाड़ी को उठाकर एक तरफ किया गया। बहादुरगढ़ ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज दिनेश ने बताया कि हो सकता है कि चालक की आंख लग गई हो या फिर गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई हो, लेकिन गाड़ी की गति बहुत तेज थी इसलिए हादसा हुआ है। उन्होंने लोगों से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना और गाड़ी गति सीमा के अंदर चलाने की अपील भी की। गाड़ी अपनी स्विफ्ट डिजायर है जो बहादुरगढ़ से रोहतक की साइड जा रही थी, तो अपने रोड टोल के पास शायद नींद आने के कारण या किसी अन्य कारण से एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी कूद कर रॉन्ग साइड आ गई ऊपर से कूद के, और उसमें जो है बस चालक अपनी जो पंजाब रोडवेज की बस है उसके साथ उसकी आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें गाड़ी चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस का नियंत्रण अगर कम से कम 1500 मीटर बाद होती है। बस के सभी सवारियां कनेक्ट ड्राइवर सभी सेफ है। हल्की फुल्की इसके ड्राइवर की और कनेक्ट के चोट आई है, जो भी कार लगने के कार है, और जो मृतक है यह दिल्ली का द्वारका का रहने वाला बताया गया है। उनके रिलेटिव बहादुरगढ़ थे, वो उनको आके यहाँ पर आइडेंटिफाई करवा दिया और डेड बॉडी के साथ इनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक का नाम क्या है सर? मृतक का नाम है संदीप सनोपटी। रोहतक की तरफ जा रहा था ये रोहतक की तरफ जा रहा था।